हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुझे मेरा एक और एक्सपीरियंस विच इज़ जो मैंने लिया अपने लाइफ में और बहुत ही अच्छा था। इट्स ऑल अबाउट द लॉर्ड ऑफ श्री कृष्ण जी। और तुमको पता है जी, जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी है, हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें इतना सीखने मिल सकता है उनसे कि पूछो ही मत, जितना सीखो उतना ही कम है यार। तो मुझे सीखने मिला है, मैं आपको चाहता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जो उनकी बांसुरी है, सेम उन्हीं की बांसुरी की तरह हमारी लाइफ भी सेम वैसे ही है। आपको एग्जांपल दे दूँ कि जिस तरह जो उनकी बांसुरी में इतने सारे छेद हैं, तुम्हें पता है, सेम उसी तरह हमारे जीवन में भी उतने सारे प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ ही हैं, राइट? तुम्हें पता होगा, एक बार तुमने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा, जब बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण जी, या जब कोई भी आदमी जब बांसुरी बजाता है, उसके अंदर से एक मधुर आवाज़ निकलती है, एक सुरीली राग निकलती है जिसे हम फील कर सकते हैं। अगर बांसुरी में वो छेद होते ही नहीं, वो अगर नहीं होते, तो शायद से कोई आवाज़ ही, इतनी मधुर आवाज़ ही नहीं निकल पाती, राइट? यू नो, राइट? नहीं निकल पाती वैसी आवाज़, क्योंकि बांसुरी हमें ये सिखलाता है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें उसे फेस करना आना चाहिए। आफ्टर दैट, व्हेन वी आर फेस दैट प्रॉब्लम, तो उसके बाद में जो नतीजा जो निकल के आता है, तो हमें पता चलता है कि दैट वॉज वेरी ऑसम, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा निकलेगा, इतना अच्छा निकलेगा, दैट वुड बी वेरी ऑसम। और कि आपको पता चल जाएगा, अगर उस फील्ड में या तो आप जीत गए तो आप कैप्टन बन जाएंगे, अगर हार गए तो आप सलाहकार बन जाएंगे, राइट? आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस फेस किया था, किस वजह से ऐसा हुआ, आपका उसको आपका अनुभव हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ से एक रिलेट करके बताता हूँ, क्योंकि जब व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 21, मेरा एग्ज़ाम ही चालू था, और सडनली एक घर में ऐसा सिचुएशन आया कि मैं उसे, है ना, श्री कृष्ण जी की बांसुरी से रिलेट किया, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस। और व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 21, कॉलेज के दिन थे और मैं फर्स्ट ईयर में था, आई वांट टू गिव एग्ज़ाम, तो उसी टाइम पे माय फादर वाज डेड। अब क्या करता, कुछ ऑप्शन नहीं, घर में फैमिली में पूरी उथल-पुथल मची हुई है, कुछ करने के लिए ये नहीं, और पूरा लोड, पूरा बर्डन एट माय ओन शोल्डर, करता भी क्या। तो मैंने स्टार्ट किया अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप से सीखना, और जो अपने जो मेरा फियर था, जो मेरा फेलियर था, और जो मेरे घर पे हुआ था व्हेन माय फादर वाज डेड, उसको, अपने फेलियर को, अपने फियर को ओवरकम करना, ओवरकम करके ही फिर आगे उससे सीखना कि लाइफ में ये मोमेंट भी, वेरी सैड मोमेंट भी आता है। आप उससे अगर बाहर निकल गए, तो जाहिर सी बात है, आपको ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग होते हैं उसी चीज़ में डूबे रहते हैं, उसी चीज़ में। दुख तो किसको नहीं होता, मुझे भी दुख हुआ मेरे डैड के खोने का, बट क्या करता, घर को संभालने वाला एक मैं ही बड़ा। मुझे अपनी जर्नी, मेरी जो लाइफ है, उसको आगे कैसे करके मेरे को ही लेके जाना था। सो आई वॉज स्टार्टेड डूइंग वेरी हार्ड वर्क। दैट्स आई वॉज गिव 3 or 4 time फॉर अनदर कंट्रीज इंटरव्यू, लाइक दुबई, सऊदी, बहरीन, बहरीन एंड ओमान। फाइनली आई वॉज पास फॉर ओमान, नाउ आई एम हियर इन ओमान, मस्कत। सो आई एम सो हैप्पी। और मुझे ये छोटा सा एक्सपीरियंस अपने आप लोगों से शेयर करना था, क्योंकि आप लोगों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जिनके घर पर ऐसा सिचुएशन, ऐसी मोमेंट आई होगी, वो लोग भी ये रिलेट कर पाएंगे, ये फील कर पाएंगे कि सच में तुम्हारे ऐसा कभी कुछ हुआ, तुम कभी ऐसे फेलियर में गिर गए,
ऐसे ऐसी कभी दुर्घटना हो गई तो प्लीज़ उसको ओवरकम करके बाहर आइए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को सोचते हैं अब मेरे डैडी भी नहीं है, कौन संभालेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, मैंने किया ना। मैं अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर निकल सकता है उस सिचुएशन से आगे, तो तुम लोग भी निकल सकते हो ना। आई एम राइट। तो श्री कृष्ण जी की, जो लॉर्ड ऑफ कृष्णा जी हैं, उनकी यही बातें को मैंने दिमाग में रखा और उनसे सीखने मिला कि, और पता है पहली बात तो ये, जो श्री कृष्ण जी है ना, वो उनकी 10 रुपए की जो उस समय 2 पैसे की आती होगी, उन्हीं बांसुरी में वो बहुत खुश हुआ करते थे। और हम क्यों नहीं खुश हो सकते हैं? एक छोटे से खिलौने में वो खुश हुआ करते थे, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? बस इनका एक ही संदेश मुझे पहुंचाना था, मुझे बताना था मेरे फ्रेंड्स लोगों को कि गाइस, सेम लाइफ, अपनी जो लाइफ है हमारी, सेम उस बांसुरी की तरह है। अगर उसके अंदर कोई छेद ना होता तो शायद इतनी मधुर आवाज़ ना निकलती। इसी तरह आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती तो सेम लाइक, फिर लाइफ वॉज लाइक अ बोरिंग, जो आपको चाहिए वो तुरंत ही मिल जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ द एक्चुअली हार्ड वर्क, राइट? यू नो, तो इसीलिए आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी कठिनाइयाँ आए, तो डरिएगा नहीं यार। तो ज़रूर आप जब उसको फेस करके फिनिश कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एग्जैक्टली मैंने लाइफ से कुछ सीखा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ गिव मी अ कमेंट एंड शेयर, जो आपके ऐसे काफ़ी फ्रेंड होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।